हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है, ब्राह्मण को सर्वाधिक महत्व क्यों? तो आइए इस पर बातचीत करते हैं। हमारे धर्म शास्त्र में ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थिति प्रदान की गई है। इसका मुख्य कारण यह है कि सात्विक गुणों की प्रधानता के कारण ब्राह्मण अपने सद ज्ञान से सारे समाज को उत्कृष्ट बनाने का प्रयत्न करता है। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, पढ़ना पढ़ाना और दान देना व लेना, ये ब्राह्मण के षट धर्म है। सारे लोग सन्मार्ग पर चलें, उन्नति करें, सुसंस्कार अपनाएं, इसके लिए ब्राह्मण दूसरों की तुलना में अधिक त्यागी, तपस्वी, संयमी व अपरिग्रही रहकर अपना व्यक्तित्व श्रद्धास्पद बनाता है। उसे गरीबी में भी रहना पड़े तो भी अपने आंतरिक उल्लास और बाहरी आनंद में से कोई कमी नहीं आने देता। वेद में ब्राह्मण के गुणों के बारे में विस्तार से बताया गया है। यजुर्वेद में कहा गया है, ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत, अर्थात ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख के समान होता है। उत्तम ज्ञान को प्राप्त करके मुखवाणी के द्वारा उसका प्रचार करता है। दूसरी विशेषता यह है कि मुख में जो कुछ डाला है उसे वह अपने पास न रखकर आगे बढ़ा देता है। मुख की एक विशेषता और है कि कठिन से कठिन सर्दी में भी वह नंगा ही रहता है, इसलिए यह शरीर में सबसे बड़ा तपस्वी हिस्सा है। शास्त्र ने ब्राह्मण के गुणों और उसकी भूमिका को और अच्छे तरीके से स्पष्ट किया है। देवाधीनम जगत सर्वम, मंत्राधीनश्च देवता, ते मंत्रा विप्रम जानन्ति तस्मात् ब्राह्मण देवताः, अर्थात यह सारा जगत अनेक देवों के अधीन है, देवता मंत्रों के अधीन है। उन मंत्रों के प्रयोग, उच्चारण व रहस्य विप्र अच्छी तरह से जानते हैं, अतः ब्राह्मण स्वयं देवता तुल्य होते हैं। वेद व्यास ने कहा है, चतुष्पदाम गौह प्रवरा लोहानाम कांचनम वरम, शब्दानाम प्रवरो मंत्रो ब्राह्मणो द्विपदाम वरः, अर्थात चौपायों में गौ उत्तम है, धातुओं में सोना उत्तम है, शब्दों में वेद मंत्र उत्तम है और दो पायों में ब्राह्मण उत्तम है। इसी ग्रंथ के श्लोक में कहा गया है कि ब्राह्मण जन्म से पृथ्वी का स्वामी होता है और प्राणी मात्र के धर्म कोष की रक्षा करने में समर्थ होता है। न ब्राह्मणस्य गाम जगत व राष्ट्रे जागार कश्चन, निसंदेह सभी वर्ण समान है किंतु एक स्वधर्म निष्ठ अत्यंज भी स्वधर्म भ्रष्ट ब्राह्मण की अपेक्षा सम्मान्य नहीं है। इसका कारण यह है कि हमारे शरीर के सभी अंग महत्वपूर्ण होते हुए भी समान नहीं है। हाथ पैर आदि कट जाने पर लूला लंगड़ा व्यक्ति जीवित रह सकता है किंतु मस्तक कट जाने पर मनुष्य क्षण भर के लिए भी जीवित नहीं रह सकता। अतः हाथ पैर आदि अंग शास्त्रीय परिभाषा में अध्रुव तथा मस्तक ध्रुव कहलाता है। ठीक उसी प्रकार ब्राह्मण रूपी मस्तक के कट जाने पर शरीर रूपी समाज की मानसिक, आध्यात्मिक, धार्मिक और नैतिक मृत्यु अवश्य ही हो जाएगी। अच्छे नेता के अभाव में बड़ी से बड़ी सेना भी परास्त हो जाती है तथा एक अच्छे सेनापति के नेतृत्व में छोटी व बिखरी सेना भी विजयी हो जाती है। ब्राह्मण चूंकि समाज के मस्तिष्क हैं, ज्ञान के आधार व भंडार हैं, अपने आचरण, कर्म व त्याग से श्रेष्ठ होते हैं, इसीलिए इन्हें समाज में सर्वाधिक महत्व प्राप्त है। जहाँ ब्राह्मण का तिरस्कार होता है वहाँ से सुख शांति चली जाती है। धर्म ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि जहाँ ब्रह्मवेताओं का अपमान होता है वहाँ कोई तेजस्वी तथा वीर नहीं होता, वह राष्ट्र नष्ट हो जाता है। ध्यान रखें, ब्राह्मण शब्द यहाँ जाति विशेष के अर्थ में नहीं, मन की अवस्था विशेष वाले व्यक्तियों के अर्थ में प्रयोग किया गया है। ब्रह्म वैतरण पुराण के अध्याय 85 में ब्राह्मण का महत्व बताते हुए कहा गया है कि जैसे नदियों में गंगा, तीर्थों में पुष्कर, पुरियों में काशी, ज्ञानियों में शंकर, शास्त्रों में वेद, वृक्षों में पीपल, तपस्याओं में मेरी यानी विष्णु भगवान की पूजा तथा व्रतों में उपवास सर्वश्रेष्ठ है, उसी तरह समस्त जातियों में ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है। समस्त पुण्य तीर्थ और व्रत ब्राह्मण के चरणों में निवास करते हैं। ब्राह्मण की चरण रज शुद्ध तथा पाप और रोग का विनाश करने वाली होती है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी, उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में भेजें। धन्यवाद।